हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी अमेजोन का इको डॉट लिया है और अगर आप उसको सेटअप करना चाहते हो तो इस वीडियो का आप एंड तक देख लो। इसको सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको सेटअप कैसे कर सकते हो। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने इको डॉट को अडैप्टर के साथ कनेक्ट करना है, जो कि अडैप्टर आपको बॉक्स में ही साथ में मिला हुआ है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लू कलर की जो रिंग लाइट है वो जलनी शुरू हो चुकी है, मतलब ये ऑन हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम ऑन होने देते हैं। जैसे ये ऑन हो जाएगा, आपको यहाँ पे एक कमांड मिलेगा कि वी आर रेडी टू सेटअप। तो मतलब उसके बाद आपको जो सेटअप प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। अमेज़न इको डॉट सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाके सर्च ऐप में जाके यहाँ पे आपको टाइप करना है एलेक्सा। जैसे यहाँ पे आप एलेक्सा टाइप करोगे, सबसे पहली वाली जो एप्लीकेशन है एलेक्सा, उसी को यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पे आप जैसे क्लिक करोगे, आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल होने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें साइन इन करने को कहा जा रहा है। तो आपका जो अमेजोन का अकाउंट है आपको उसी से यहाँ पे साइन इन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपने अमेजोन का ईमेल आईडी डालना है या फिर मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके आपको साइन इन कर लेना है। अगर आपके पास अमेजोन का अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करके आपको एक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपने अमेज़न के अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया। अब हमें सेटअप को जो है वो कंप्लीट करना है। वहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस अकाउंट को कौन यूज कर रहा है। अगर आप खुद कर रहे हो तो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कोई और आपका अकाउंट यूज कर रहा है तो उसको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ आई एम सागर मदनानी, तो मैं ही इसको यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे परमिशन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक करके परमिशन दे देनी है। वापस से पॉपअप आएगा, आपको वापस से यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने ये वाला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपके पास पांच ऑप्शंस अवेलेबल हैं। होम का है, कम्युनिकेट का है, प्ले का है, डिवाइस का है और मोर का है। आपको क्या करना है, आपको डिवाइस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डिवाइस पे क्लिक करोगे यहाँ पे नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर आप प्लस का ऑप्शन देख पा रहे हो, आपको प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे वापस से यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन नजर आएंगे। आप जो पहला वाला ऑप्शन है ऐड डिवाइस वाला, आपको यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना डिवाइस सेलेक्ट करना है। जबकि बोला जा रहा है कि आप अपना अमेज़न इको ऐड करना चाहते हो, लाइट ऐड करना चाहते हो, स्मार्ट प्लग ऐड करना चाहते हो, मतलब जो भी डिवाइस ऐड करना चाहते हो सारे यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है। हमको यहाँ पे अमेज़न इको ऐड करना है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे वापस से यहाँ पे आपके पास स्पीकर्स के लिस्ट आ जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है इको इको डॉट। तो जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका डिवाइस जो है वो सेटअप के लिए रेडी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑरेंज लाइट जल रही है और यहाँ पर भी इन्होंने यहाँ पे सिग्नल दिया है कि ऑरेंज लाइट की लाइट जलनी चाहिए। अगर जल रही है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे यहाँ पे अब आपको कहा जा रहा है कि आप अपने फोन का ब्लूटूथ जो है उसको ऑन कर दें। तो अगर आपके फोन का ब्लूटूथ ऑफ है तो आप अपने फोन का ब्लूटूथ को है वो ऑन कर दीजिए। और ब्लूटूथ ऑन होने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल डिवाइस में हमें अपना इको डॉट नजर आ रहा है। अब इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो डिवाइस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब भी आप ये सेटअप कर रहे हो आपका जो फोन है वो वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए। भले ही वो आपके फोन के हॉटस्पॉट से क्यों ना कनेक्टेड हो, लेकिन वो कनेक्टेड होना चाहिए किसी भी वाईफाई मोड से। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको अपने एलेक्सा का लैंग्वेज चेंज करना है, मतलब अगर आपको इसे हिंदी में बात करना है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको डिवाइसेज में जाना है। डिवाइसेज में जाके आपको ऑल डिवाइसेज का ऑप्शन होगा, आपको वहां पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपनी एलेक्सा को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी इको डॉट आपके पास है। मेरे पास दो है इसलिए यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है सेटिंग्स का, ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स वाला नजर आएगा। आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, आपको लैंग्वेज में क्लिक करना है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहते हो सिर्फ हिंदी में बात करना, तो यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन है। आपको चाहिए सिर्फ इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन है। आपको चाहिए कि इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करे, तो आप इसको सेलेक्ट करके ओके कर दो। अब आपकी जो एलेक्सा है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करेगी। मैं आपको बात करके दिखा देता हूँ। हे एलेक्सा, तुम कहाँ रहती हो? मैंने अपना बसेरा क्लाउड में बनाया है। यहाँ ना रेंट का झंझट है और ना स्पेस की कमी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलेक्सा बहुत ही फनी रिप्लाईज भी करती है। हे एलेक्सा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अगर बात कनेक्शन और सबसे नजदीक होने की है तो मुझे लगता है कि आपका वाईफाई बाजी मार चुका है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सरकास्टिक आंसर्स भी ये देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।